कहानी पियाली यशु सरगा बे वापिस नांदा सा जस दयाड़ी परमेश्वर यशु मुए दे मैं का जीवंदा करू तेसी दयाड़ी दुई चेले नेड़ा रे ग्राम बे नांदे लागे थी हंडदे त्या यशु संगा जो हो थी तेतके बारे में गला करदे लागे थी त्या बोलदे लागे थी कि सो मसीहा थी पर तेबा भी सो मारी पाऊ एबा त्या बेटड़ी आई और ते यशु बे बोलू भिया का जीवंदो हो दसा त्या नहीं जानते थी कि कसु गल्ला पेंदे विश्वास करना। यशु त्या सेटा इच्छी करे त्या संगे हंडना शुरू करू पर त्या तेव पीछे नहीं सकी तेव पूछू कि त्या किसके बारे में गल्ला करदे लागे ते तेव पीछे दियाड़ी में यशु संगा होई करे सारी घटना रे बारे में खोजू ते सोचू कि त्या कसु परदेशी संगा गल्ला करदे लागे जो नहीं जानता थी कि यरूशलेमा में के हो थी। तेबे यीशु ते समझाई कि परमेश्वर रा वचन मसीह रे बारे में के बोलदा सा बहु पहले भविष्य वक्ते बोलू थी कि बुरे लोका मसीहा बे बहु ज्यादा दुख दीना और सो मारी पाउना पर भविष्य वक्ते यो भी बोलू थी कि सो चिवने दियाड़े मोरी मियां का जीवंदा होना। जेबे ते नगर पुजे जखे ते दुई मनुष्य रुकना चाहता थी तेबरे तनी लगभग बियालक होई थी तेबे यीशु त्या संगे रोहने बे बोलू तेबे यीशु ते संगा एक ही गौरा बे नठो और ते रोटी खांदे बैठे यीशु एक रोटी डाकी तितकी तेडी परमेश्वर रा धन्यवाद दीना और तेवकी ते रोटी चोड़ी तेवा ते भ्रीते जानू की यो यीशु आसा पर तेबरी सौ त्यारी अच्छी का गुजू ते दुई चेले एक ही दूजे का बोलू सो यीशु थी जेबरे तेव हामा बे परमेश्वर रे बचन समझाई थी तेबा हमें बहु खुश थी तेबरी त्या निखड़ी करे यरूशलेमा शहर बे वापिस नाठे जेबे त्या पूजे तेबा ते चेले बे खोजू यीशु सच्ची जीवंदो हो हमें सो हेरू। जेबा चेले गला करदे लागे दे थी तेबा यीशु एकदम तेव कमरे त्यारे सामने प्रकट हो तेव बोलू तमा बे शांति बैठे चेले सोचू की यो कुण राक्षस आसा पर यीशु त्या बे बोलू तमे किबे डोदा तमे किबे नाई सोचदे की सच्ची हाऊं आसा यीशु सा मेरे हाथे होर जांगा थुई करे हेरा किवे की आत्मा रे मास और हाड़के नाई हुंदे जेड़ा तमे मास सेटा हेरा तेबा यीशु त्या का पुछू ओके खाने बे कुछ आसा ते भुन्नी दी माछी रो एक टुकड़ो दिनो और यीशु सा टुकड़ो त्यारे सामने खाऊ। यीशु बोलू मेरे बारे में पवित्र शास्त्र में लिखुदा आसा जो कुछ लिखुदा आसा सो पूरा होना मैं तमा बे बोलू थी ये ता सभी रा होना जरूरी सा तेबा यीशु त्या बे परमेश्वर रा बचन रामड़े ढंगे समझाऊ तेव बोलू पवित्र शास्त्रा में लिखुदा आसा कि मसीहा दुख सहना सो मरना और जीवने ध्याड़े मोरी मियां का जीवंदा होना। पवित्र शास्त्रा में यह भी लिखुदा कि मेरे चेले परमेश्वर रे बचना रा प्रचार करना और त्या हर एक ही मनुष्य बे खोजना कि अपने पापा का पश्चाताप करा त्या इतकी शुरुआत यरूशलेमा शहरा का करनी तेवे त्या सभी जगह होर सभी जाति में नाना जो कुछ माए बोलू होर करू तमे या सभी गल्ला रे गुआई आसा। अगले चाली दिहाड़ी तेनी यीशु अपने चेले रे सामने कई बार प्रकट हो एक सौ बारी सौ एक ही वक्ता में 500 लोका रे सामने प्रकट हो यीशु अपने चेले बे कई तरीके संगा साबित करू की हाउ जीवंदो सा और तेव त्या बे परमेश्वर रे राज्य रे बारे में शिक्षा दिनी। यीशु अपने चेले का बोलू परमेश्वर माँ बे स्वर्ग होर पृथ्वी रे सारे अधिकार दिने दया सा तेबा हाँ तमा का बोलदा सा नाशी करे सभी जाति रे लोका चेले बना और त्या बे पिता पुत्र और पवित्र आत्मा रे ना का बतिस्मा दया जो कुछ भी मैं तमा बे आज्ञा दिनी दिशा त्या सभी आज्ञा तमे लोका बे मानना सिखा याद डाए हाँ सदा तमे संगा रोना। यीशु रे मारी करे जीवने का चाली दिहाड़ी बाद तेव अपने चेले का बोलू सुना मा तमा वे पवित्र आत्मा भेजने जसका देने रा वायदा मेरे बापू परमेश्वर करू दा आसा पर तेबा तमा यरूशलेमा शहर में निहालना आओ जेबरे तेनी पिता परमेश्वर तमा में समर्थन नहीं दे। प्रभु यीशु त्या संगे गल्ला करने बाद सरगा बे चक्कू और एक ही बादले सौ त्यारी नजरा का गिजेऊ यीशु स्वर्ग में सभी चीजा पेंदे राजा करने री तेनी परमेश्वर री दाई फेरा बे बैठो।